वेलकम बैक। अगला लेक्चर हमारा होम रूल, लखनऊ पैक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लखनऊ रूल, होम रूल जो चल रहा था और लखनऊ पैक्ट जो है उसके बारे में भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए होम रूल पैक्ट क्या है, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने ये किया कि कई नेशनलिस्ट लीडर जैसे तिलक वगैरह थे, इन्हें जेल से छोड़ दिया और उन्होंने ये उम्मीद की कि ब्रिटिशर्स के वॉर के एफर्ट्स को ये लोग सपोर्ट करेंगे। और ऐसा नहीं, तिलक लोगों ने भी सोचा कि भाई देखिए अगर ब्रिटिशर्स सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, उनका सपोर्ट करेंगे तो फ्यूचर में शायद हमें सेल्फ रूल दे दें। बट बाद में कुछ लीडर्स जैसे एनी बेसेंट और तिलक, इन लोगों को बाद में भी ये लगा कि भाई ऐसे तो चीज़ें मिलेंगी नहीं, तो इस पर प्रेशर बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को पॉलिटिकली एक्टिव रह के। तो इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस तो इस वक्त इस कंडीशन पे है नहीं क्योंकि मॉडरेट लीडर है वहां पर, तो इन दोनों ने मिलकर दो सेपरेट होम रूल लीग स्टार्ट की। होम रूल लीग का आइडिया जो है बेटा आयरिश होम रूल लीग से आया था और ये एनी बेसेंट द्वारा रियल में इंडिया में लाया गया था। बा उनका न्यूज़पेपर था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, तो उसमें इन्होंने सेल्फ रूल की बात की थी जैसे व्हाइट कॉलोनीज में इन्होंने दे रखा है। फिर भी तिलक जो है बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस बेल्जियम में हुई थी जिसमें फर्स्ट होम रूल लीग इन्होंने 1916 में जोसेफ बैप्टिस्टा के साथ इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था। तो इनके एक्टिविटी का एरिया जो था महाराष्ट्र था बॉम्बे को छोड़ के, सेंट्रल प्रोविंस बेरार एंड कर्नाटक। एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यन अय्यर ने इस्टेब्लिश किया था लीग 1916 सितंबर में। इनका एरिया वही था जो तिलक का नहीं था उसको छोड़ के सब। चीफ एसोसिएट कौन थे, अरुण दाले थे, सी आर रामास्वामी थे, अय्यर थे और बीपी वादिया थे। इनके फॉलोअर्स, एनी बेसेंट के फॉलोअर थे इंदूलाल याग्निक, शंकर लाल बनकर, जमुना दास, द्वारिका दास, और इन्होंने न्यूज़पेपर यंग इंडिया किया था और ऑल इंडिया प्रोपोगेंडा फंड इस्टेब्लिश किया था। एनी बेसेंट की लीग को जल्दी जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में, बी चंद्रवर्ती एंड बी बनर्जी ने कलकत्ता में, खालसा उस जमाने लखनऊ में ज्वाइन कर लिया था। यही मूवमेंट था होम रूल लीग जब जिसमें स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट तिलक ने बोला था। तिलक ने डिमांड की थी स्वराज का फॉर्मेशन हो जाए और स्वराज जो मिलेगा लिंग्विस्टिक स्टेट के बेसिस में मिलेगा और यहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेज में चलेगा, मतलब जो क्षेत्रीय भाषा हो उसमें पढ़ाई चलेगी। द मेन थ्रस्ट ऑफ होम रूल लेगेशन जो था वो तब आया जब होम रूल लीग की जब न्यूज़पेपर मीटिंग्स होने लगी, क्लब्स, लाइब्रेरी और इन सब में लोकल सब गवर्नमेंट के लोग पार्ट लेने लगे। 1914 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, मॉडरेट को प्रेशराइज किया कि तिलक और उनके एसोसिएट्स को दोबारा ज्वाइन कराया जाए। कांग्रेस लीडर ने ये डिसाइड किया कि अब एक्सट्रीमिस्ट को दोबारा इंटर करेंगे और वैले भी ऐसे भी था क्योंकि फिरोज शाह मेहता की डेथ के बाद वैसे भी वो बहुत वीक हो गए थे। इसके बाद 1916 में लखनऊ सेशन हुआ, प्रेसिडेंट एसी मजूमदार थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर तिलक इसमें इंटर कर गए। तिलक ने होम रूल लीग ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जिसे कांग्रेस स्पेशल या होम लोग स्पेशल बोलते हैं ताकि सारे डेलीगेट लखनऊ आए, और ये ट्रेडिशन बाद में लेटर कांग्रेस में जितने भी सेशन हुए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया। इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंस ये थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ जिसमें तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे, पर मदन मोहन मालवीय को ये अच्छा नहीं लगा। मुस्लिम लीग इसलिए पास आ रही थी क्योंकि बेटा उनकी भी रॉयलिस्टिक जो थी वो भी खत्म हो गई थी, आगा खान, अलीगढ़ स्कूल ये सब, और कांग्रेस भी हैवी रिप्रेशन झेल रहा था ड्यूरिंग वॉर। तो 1914 में न्यूज़पेपर अल-हिलाल जो अब्दुल कलाम आजाद का था, कॉमरेड मौलाना दिल्ली जिन्ना का, ये सारे सरप्रेस कर दिए गए थे। तिलक ही थे जिन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनानी चाहिए जो डेली के वर्क कैरी करेगी, और इसे बाद में बनाया गया था नागपुर सेशन में गांधी जी के कहने पर। टर्निंग पॉइंट ये था कि बेटा एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया था 1917 में जिसने अनरेस्ट को स्प्रेड कर दिया था। एफ सुब्रमण्यन अय्यर ने क्या किया था, अपनी नाइनहुड के टाइटल को वापस दे दिया था। मॉडरेट मालवीय सुरेनाथ बनर्जी जिन्ना, इन्होंने भी होम रूल ज्वाइन किया था मजबूती दिखाने के लिए। तिलक ने भी एडवोकेट किया था कि पैसिव रेजिस्टेंस या सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करना चाहिए। फिर एनी बेसेंट को जल्दी से रिहा कर दिया जाता है, पहली महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हैं। पर 1918 में होम रूल लीग खत्म हो जाता है। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू फेमस डिक्लेरेशन देते हैं कि एक मेजेस्टी गवर्नमेंट जो है उसने एक एसोसिएशन किया है कि हर ब्रांच में अब इंडियंस का एसोसिएशन बढ़ेगा सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ, और ये रियलाइजेशन होगा इस चीज़ के लिए कि अब प्रोग्रेसिव रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम देंगे। तिलक इसी टाइम पर बेटा इंग्लैंड चले जाते हैं क्योंकि उन पर एक केस होता है
वैलेंटाइन चौरले राइटर थे इंडियन अनरेस्ट के, उनके अगेंस्ट, तो वो वहाँ चले जाते हैं। इसी टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। एडविन जो होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, चेम्सफोर्ड वाइसराय होते हैं, एक स्कीम लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोलते हैं। डायार्की आ जाती है प्रोविंस में, जिसका मतलब होता है अब रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स होंगे। रिजर्व सब्जेक्ट जैसा पुलिस, जेल, लैंड रेवेन्यू, इरीगेशन, फॉरेस्ट, ये सब होगा जो गवर्नर जनरल उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास होगा। ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे एजुकेशन, लोकल सेल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ये इनके साथ रहेगा। और इसको मिनिस्टर्स देखेंगे जो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। गवर्नर स्पेशल ग्राउंड में मिनिस्टर्स की किसी भी राय को और किसी भी एक्टिविटीज को कैंसिल कर सकता है, ओवरूल कर सकता है। सेंट्रल में बायकैमरल लेजिस्लेशन आ गया, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों इंट्रोड्यूस हो गई। मोर रिप्रेजेंटेटिव आ गए बाय रिमूविंग द ऑफिशियल मेजोरिटी, और इंक्रीज कर देंगे नॉन ऑफिशियल जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेजोरिटी होगी। इसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेचर में का कोई कंट्रोल नहीं था गवर्नर जनरल और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। सैलरी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की थी और उनके पार्टनर्स की थी, वो ब्रिटिश रेवेन्यू से जाएगी, मतलब इंडियन रेवेन्यू से जाएगी। इसके बाद आईएनसी मेट हुई स्पेशल सेशन बॉम्बे में, जिसमें डिसाइड किया गया कि इसको साथ देंगे कि नहीं देंगे, जो 1919 का एक्ट है, हसन इमाम इसमें प्रेसिडेंट थे। और इस रिफॉर्म्स की बात हुई, ये डिससेटिस्फैक्ट्री लगे तो कांग्रेस ने कहा कि सेल्फ गवर्नमेंट मानेंगे। कई वर्टियन कांग्रेस थे, जो लीडर्स थे जैसे सूर्यनाथ बनर्जी, वो चाहते थे इसको एक्सेप्ट कर ले, नहीं एक्सेप्ट किया तो इन्होंने अपनी कांग्रेस से, पार्टी से इस्तीफा दिया। इसे छोड़कर इन्होंने अपनी द इंडियन लिबरल फेडरेशन अनाउंस कर दी। और इसके बाद 23 बहार सप्रू थे, जो बहुत लीडिंग मेंबर थे लिबरल के, वो भी इस लिबरल फेडरेशन फाउंडेशन के इम्पोर्टेंट लीडर बने। बेटा इतना ही है आज के लिए। इसके बाद द कमिंग ऑफ महात्मा गांधी और ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। देखिए महात्मा गांधी में थोड़ा बेसिक हम इसका अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि हिस्ट्री का रेगुलर लेक्चर है तो इसमें फिर गांधी आए क्या हुआ, तो ब्रेक कर करके जो स्टोरी वाइज चलता जाएगा वो हम पढ़ते रहेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए ट्यून्ड रहें, जल्दी वो लेक्चर भी आपके सामने आएगा। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करें, पर डिसलाइक करने का कारण जरूर बताएं ताकि हम उसे देख और समझ पाएं। लॉकडाउन 3 कल से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दें, घर पे रहें, क्योंकि जब तक आप घर पे नहीं रहेंगे, आप सरकार का साथ नहीं देंगे, लॉकडाउन बढ़ता चला जाएगा और ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी और हम सबके लिए नुकसानदायक है। तो प्लीज़ सरकार की बात सुने, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।